What's up guys, कैसे हो आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पैल वॉल. गाइस, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, ये वाला गेम पोकेमोन एंड माइनक्राफ्ट दोनों का मिक्सचर है. इस वाली गेम के अंदर में हम लोगों को जाना होता है अलग अलग आइलैंड पे, जहाँ पे अलग अलग वैरायटी के पोकेमोन. ये हमको सामने वाले पोकेमोन को मार पीट के, उसकी हेल्थ कम करके, उसको अपनी पोकेबॉल में पकड़ के अपना पैल बनाना होगा. लास्ट वाले एपिसोड में मैंने 4-5 नल्ले चिंदी से पैल पकड़े थे. वैसे वो सारे चिंदी नहीं थे भाई, उनमें से एक आध चिंदी था और एक तो टपक भी गया था. वो क्या नाम है उसका? ग्यूमोस. और एक मैंने ऐसा तगड़ा पोकेमोन पकड़ा था जो बर्फ मार मार के सामने वाले बंदे को पिघला देता है भाई. एक मैंने पकड़ा था मस्त उड़ने वाला पोकेमोन जिसका नाम मुझे याद नहीं है. बट आज वाली वीडियो के अंदर मैं पकड़ने वाला हूँ कुछ तगड़े तगड़े पोकेमोन. बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट चलते हैं अपनी गेम में. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक इन पैल वर्ल्ड. अभी मैं उसी आइलैंड पे हूँ जहाँ से मैंने एक उड़ने वाला पोकेमोन पकड़ा था जिसका नाम है कैलीरे. खैर इसको छोड़ के देखते हैं. अगर मैं इसको कमांड दूंगा ना कि अटैक कर दो, जाके अटैक कर देगा भाई. देख रहे हो क्या मस्त पोकेमोन है, उड़ने वाला एकदम ही, काफी प्यारा दिखता है भाई. तो आ जा. देखो अभी मेरे पास में टोटल 5 पोकेमोन, जिसमें से एक ग्यूमोस तो मर ही गया था भाई फाइट करते वक्त. है ठीक है गाइस, अभी ना रात हो रही है और रात के टाइम पे मेरे को इतना जरूर पता है काफी तगड़े तगड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं खाने के लिए भाई दूसरे मॉन्स्टर्स को. जैसे कि एक ये है, नाम है हुकरेट्स. भाई मुझे पंगा नहीं लेना किसी भी पोकेमोन से. अभी चलते हैं अपने सस्ते से टेम्परेरी बेस पे जो कि यही सामने है. एक्चुअल में तो वो कोई बेस भी नहीं है भाई. सामने मुझे नाइट विंग दिखाई दे रहा है. जाओ भाई, सामने नाइट विंग आके सो रहा है. मतलब इतना ज्यादा तगड़ा पोकेमोन है ना भाई कि मैं क्या ही बताऊं. बस एक सेकंड. ओए भाई, ये पोकेमोन मुझ पे अटैक करने लग गए. इसका नाम है डिप्रेसो. अबे वो डिप्रेसो डिप्रेशन में भेज दूंगा. क्यों मेरे पे? अबे तेरी भैंस की क्या फेंक रहा है भाई? ओए नाइट विंग बचा ले भाई. देख रहे हो क्या मस्ती, ऐसे शील्ड बना के सोता है यार. बट भाई इनको भाई ये पिटे कसम से बोल रहा हूं भाई. अभी देखना ये भाई थैंक यू नाइट विंग. भाई नाइट विंग है तो अच्छा पोकेमोन, बट अच्छा भी क्या ही है भाई. अटैक करा इस पे, पॉइजन मारो और मेरे पे मार दे, मेरी हेल्थ कम हो रही है. चलो कोई नहीं भाई, बट नाइट विंग ने भाई एक ही अटैक में इनको खत्म कर दिया. वो देख रहे हो बच बच के भाग रहे हैं भाई नाइट विंग से. अब लड़ो ना तुम्हारी ऐसी की तैसी डिप्रेसो आई हो इधर है. इसको पकड़ दूंगा डिप्रेसो को. एक आध पोकेमोन बोल है मेरे पास में शायद. ओए भाई नहीं मार पाएगा तू मेरे को, इतना नूबड़ा पोकेमोन है. ले लो भाई इसे भी पकड़ देते हैं भाई. टोटल 6 पोकेमोन हो जाएंगे इसे पकड़ने के बाद में. लेट्स गो. ये पकड़ा नहीं गया. आइयो इधर, थोड़ा सा और डैमेज मारूंगा इसको. तो पकड़ूंगा, आग लग गई. अबे पैल्स फेर ही नहीं बचा. अबे वो भाग ले कसम से कह रहा हूँ तेरे को. रुक जाओ भाई, ये पेंगुलेट देखो, ये ऐसा मारेगा ना इसको. मार पेंगुलेट इसे, मार दे ये भाई खत्म. एक तो ये आता है ना कोल्ड लगने लग जाता है. देखो ये फॉक्स पार्क साई. अब ये देखो पेंगुलेट को छोड़ूंगा और कोल्ड लगने लग गया मेरे को भाई. मैं मर जाऊंगा कसम से अगर ये पेंगुलेट साथ में रहेगा. खैर ठीक है, अभी ना अपने पास में कोई भी ऐसा कुछ खास बेस वगैरह नहीं है, तो मेरे को ऐसे ही बाहर रहना पड़ेगा भाई आउटडोर में कुछ टाइम के लिए. तो अभी भाई सच्ची सच्ची बताऊं तो ना मेरे को एक बेस की जरूरत है. बट बेस बनाने के लिए ना मेरे को एक पैल बॉक्स बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे पास में कोई भी मटेरियल नहीं बचा यार. इसके लिए मुझे लकड़ियां वगैरह चाहिए. बट मेन बात यह है कि जहां भी मैंने पैल बॉक्स लगा दिया ना वहीं पे मेरा बेस बन जाएगा. तो मैं सोच रहा हूँ भाई कि कहाँ लगाए. वैसे देखो ये वाली जगह बहुत ज्यादा ही परफेक्ट है, बट यार मैं आगे गया था क्या? नहीं गया था, मुझे याद नहीं है. बट यहाँ पे कुछ तो मस्त चीज है. क्या लिफ्टमंक कैफे की करके कुछ तो है. कलेक्ट लिफ्टमंक कैफे की एंड ऑफर देम टू अ स्टैचू ऑफ पावर पैल्स. ठीक है, किसी तो एबिलिटी को बढ़ा देगा मेरी. क्या चीज है भाई? कैट अवे जनरल डे टेक्स. पता नहीं भाई क्या कुछ ही मिल रहा है मेरे को भाई. लास्ट वाले पार्ट के अंदर में ना मैंने ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करा ही नहीं था. इस वर्ल्ड के अंदर में ना इतनी ज्यादा जगह है कैप्चर करने के लिए. बट यहाँ पे कुछ तो नया पोकेमोन, इसको पेलो. ये चाहिए भाई, मुझे मस्त लग रहा है. हुकरेट्स मार इसके पेंगुलेट. मार, चल मार दे भाई. आग लगा दी भाई मैंने उसमें. पेंगुलेट मारता तगड़ा है भाई, कुछ भी कहो. ऐसे मारेगा ना बर्फ से भटाई भट इसके. देखो बस अभी देखते चलो भाई, मुझे कुछ नहीं करना है. मैं यहाँ पे आराम से बैठ सकता हूँ. अभी नजारे देखो, देख रहे हो बच के भाग रहा है भाई हुकरेट. अब तेरी भैंस की, मेरे क्यों मारा भाई? मेरे कैसे मारा भाई? तू नहीं रही पंछी. हाँ बस 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 बस, इसको पकड़ना भी तो है. चलो भाई एक आध और पोकेमोन पकड़ लिया. देख रहे हो भाई अभी हो चुके हैं अपने पास में टोटल 6 पोकेमोन. लेट्स गो. बट अभी सामने कुछ तो तगड़ा पोकेमोन है भाई. ये क्या है? ये डियर भाई, बहुत ही प्यारा लगता है. पकड़ेंगे किसी ना किसी दिन. तो ये देख रहे हो नाइट विंग उठ चुका है. किसी को मारता नहीं बेफालतू में, बट जब मारता है ना ऐसी तैसी एक कर देता है, खत्म ही कर देता है बंदे को. देख रहे हो भाई ये पोकेमोन मेरे को चाहिए यार एक्चुअल में. देख रहे हो कितना ज्यादा क्यूट है पोकेमोन. मैं इसके मारूंगा ना मेरे को खत्म कर देगा एक हिट में. आज ना भाई मेरे को पकड़ने तगड़े तगड़े पोकेमोन. ये मेरे पास में टेक्नोलॉजी पॉइंट है, इससे मैं एक बो खोल सकता हूँ, एरोस खोल सकता हूँ जिनसे कि मैं अटैक कर पाऊंगा. ये शोडी बैट खोल लेते हैं और ये स्ट्रो पैल बैट, इस पे पैल्स हो सकते हैं. रिपेयर किट और क्लोथ के अलावा मैं यहाँ पे क्लोथ आउटफिट खोल लेता हूँ. कॉमन शील्ड खोल लेता हूँ और ये क्या भाई स्टोन स्पीयर, भाई सब खोल लेता हूँ मैं ए टू जेड. ये क्या स्ट्रक्चर? ऑलराइट गाइस, अभी ना मैं काफी कुछ यहाँ पे बना सकता हूँ. इसको बनाने के लिए ना मेरे को 2 वूल चाहिए कपड़ा बनाने के लिए अपना. बट हाँ चलो अभी 2 वूल इकट्ठे करते हैं और वूल मिलती है भाई जो शीप जैसा दिखता है उसे मार के वूल मिलेगी. खैर अभी फटाफट से चलते हैं उस साइड में, फास्ट ट्रेवल करके जाऊंगा इस साइड जहाँ पे हमारी गेम स्टार्ट हुई थी, क्योंकि वहीं पे वो शीप हमेशा घूम रही होती है. यहीं कहीं होगी. ये देखो यहाँ पे ना एक एक्सपेंडेशन सर्वाइवर है. जैसे हम लोग इस आइलैंड पे पहुंचे ना वैसे ये भी पहुंचा था.
वो अलग बात है, ये नूबड़ा सा है, हम प्रो है भाई। तुम्हारा भाई ना देखो धीरे धीरे सीख जाएगा सारी चीजें। खैर ये रहा वो सामने पोकेमोन और ये रहा मेरा दूसरा बेस, तो नहीं कह सकते हो तुम। अभी इसकी भी हेल्थ आ रही है, अच्छा नहीं वो पीछे चीपी की, चलो कोई नहीं। चल भाई पेंगुलेट इसे मार दे भाई, ये कोल्ड करा देता ना एक तो भाई मेरी हेल्थ खत्म होने लग जाती है भाई। इससे मरवा के देखते हैं इसे, मार इसे। तो ना ये लैम बोल को मारने का मन भी नहीं कर रहा है, इसको मार के सारी बूल लेनी पड़ेगी। मार दे इसे, मार दे, खत्म कर, मैं भी हेल्प करता हूँ तेरी भाई। बूल मिल गया फिर नहीं, चलो ठीक है दो बूल मिल गई और मार इसे, मार। अबे ओए लैम बोल के बच्चे कहाँ ही मार रहा है भाई, गुस्सा हो रहा है यार इनको मारने में सच्ची में यार, कितने क्यूट पोके। अबे कहाँ गया वो धरती के अंदर। चलो ठीक है बूल तो मिल गई मेरे को, बट मेरे को लग रहा है ना वो। अभी चलते हैं वापस उस वाली जगह पे जहाँ पे मैंने दूसरा वर्क बेंच लगाया, क्योंकि भाई मैं सोच रहा हूँ ना अपना एक बेस प्रॉपर उसी जगह पे बनाए, क्योंकि वहाँ पे थोड़े नए पोकेमोन है भाई। यहाँ पे तो वही चिंदी चिंदी पोकेमोन है, कैटिवा, लैम बोल और ये किपी वगैरह है, और यहाँ पे तगड़े तगड़े पोकेमोन है। देख रहे हो उसे, देख रहे हो वो किंग ऑफ द फॉरेस्ट। एक ना एक दिन आएगा मैं इसे भी पकड़ के तोड़ूंगा, बट अभी ना मेरे को अपने लिए क्लोथ आउटफिट बनानी है। उसे अगर मैं पहनूंगा ना मेरे को रात में बेफालतू की ठंड नहीं लगेगी जैसे लगती है हमेशा। ठीक है अभी फटाफट से ना ये बना लेते हैं क्लोथ। ऑल राइट गाइज, अभी मैंने क्लोथ बना लिया, बट मेरे को क्लोथ आउटफिट के लिए दो क्लोथ चाहिए भाई। पहले नहीं बोल सकता था, अभी मेरे पास एक ही बोल बची है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, तीन बोल थी भाई। यार ये बढ़िया भाई, अभी दोबारा से उस चिंदी से पोकेमोन को पकड़ने जाना पड़ेगा भाई। मैं कह रहा हूँ ना तीन चार इकट्ठी बोल्स लेके आनी पड़ेगी। ये ग्यूमोस भी घूम रहा है, मेरे वाला ग्यूमोस तो मरा पड़ा है भाई बेचारा। ठीक है मुझे दिख चुके हैं इस टाइम पे वो लैम बोल, जा फॉक्स पार्क्स, इसे मार लैम बोल को, इसे मार दे। अबे यार ज्यादा नीचे फेंक दिया, अबे मार ले भाई इसे के दोरे वोरे, क्या ही बेकार पोकेमोन है भाई तू। देख रहा है भाई मैंने दो मिनट में इसे मार वार भी दिया, ठीक है चार बोल मिल चुके, अब क्या मार रहा है भाई जब वो मर वर भी गया। पागल पोकेमोन भाई, ये मेरे को लग रहा है ना अंधे ही है भाई अकल के। मार इसे लैम बोल को, मार मार इसके। एक तो ना ये जो सब फॉक्स है ना ये बहुत ही आलसी है, देख रहे हो मारता ही नहीं है भाई आधे आधे घंटे तक। तो भाई अभी तो मैं बिना फास्ट ट्रेवल के जाने वाला हूँ, क्योंकि क्या पता भाई रस्ते में कोई मस्त पोकेमोन मिल जाए मेरे को, ये मस्त मस्त चीजें मिल जाए यार। ये देखो ये दो लैम बोल और मिल गए, इन्हें भी मार दे भाई लगे हाथ, नहीं बहुत रहेंगे भाई। अभी चलते हैं दूसरे वाले बेस पे भाई, मैं तो इसे डर देख के डर ही गया था, मारेगा तो नहीं इसके ऊपर कूद जाऊंगा तो। ओ भाई हेलो, मैं कुछ नहीं कह रहा है वो चिल है भाई अपना, बट इसे पकड़ूंगा भाई मैं एक ना एक दिन। तो यार यहाँ पे ना वो डायनासोर सा होता था तगड़ा सा काफी दिखने में, बट अभी मेरे को दिखाई नहीं। ओए एक सेकंड, ये दो मेमोरिस्ट हैं, ये मेरे ख्याल से इनका पापा है, ये यहाँ का बच्चा है इसका भाई, ये छोटे वाला है, क्योंकि ये तो तगड़े वाला किंग है भाई यहाँ का। ठीक है अभी ज्यादा बेफालतू में टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी चलते हैं उस जगह बेस की साइड में। यार भाई अभी ना मेरे को यहाँ पे क्लोथ्स बनाने हैं, बट अपने साथ में मैं यहाँ पे रख सकता हूँ कैटिवा को, और ये मेरे साथ में बनवा सकती है फटाफट कोई भी चीज। देख रहे हो भाई पोकेमोन पकड़ने का फायदा। खैर ठीक है भाई बन चुका है, चला जा चुपचाप से वापस। अब बनाते हैं भाई एक क्लोथ आउटफिट ना, मेरे को एक आध और पोकेमोन यहाँ पे रख लेना चाहिए भाई, जब मेरे साथ में फटाफट बनवा भाई थोड़ी सी। ये देखो अगर मैं छोड़ दूं ना इतना स्लो स्लो करेगी, बट अगर मैं मिलके कराऊंगा तो ये अच्छा खासा क्लोथ यहाँ पे बना देगी, और इसे पहनने के बाद में ना ही मेरे को बेफालतू की ठंड लगेगी और थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन भी। ये देख रहे हो भाई क्या आ रही है। ठीक है अभी हमने अपना अच्छा खासा सामान वगैरह बना लिया, बट अभी मेरे को बनानी है भाई पेल्स फेयर, और मैं एक एक करके पेल्स फेयर नहीं बनाना चाहता भाई, मेरे को इकट्ठी पेल्स फेयर चाहिए, क्योंकि मुझे पकड़ने हैं काफी सारे पोकेमोन। ना ही मेरे पास में वुड है और ना ही मेरे पास में है भाई स्टोन, तो मेरे को सबसे पहले वुड और स्टोन लेनी पड़ेगी। इसे तोड़ते हैं भाई पेड़ को, वुड वगैरह इकट्ठी करते हैं। अभी मैंने थोड़ी बहुत वुड वगैरह इकट्ठी कर लिया, बट अभी भी भाई मैं एक ही पेल्स फेयर बना सकता हूँ। खैर चलो ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, अभी मेरे पास में ना सारा सामान ओके पड़ा है इस टाइम पे, खाने पीने का भी अच्छा खासा सामान पड़ा ही हुआ है अपने पास में। तो अभी ना भाई चलते हैं कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, और ना भाई एक अच्छी खासी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे सबसे पहले मैं लगाऊं अपना पैल बॉक्स, ताकि मैं अपने बचे कुछ ये पोकेमोन जो मर चुके हैं, वैसे तो एक ही मरा है, उसे जिंदा कर सकूं। खैर अभी सामने यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है, और ये देखो ये कुछ तो घोड़े जैसा, इसका नाम है मेलपैका, जो 9 लेवल के काफी तगड़ा पोकेमोन है भाई ये। मेरे को लग रहा है ना इस पे ट्रैवल वगैरह कर सकते होंगे, बट ये भाग गया देख के मुझे। और भाई अभी मैं आ चुका हूँ एकदम डिफरेंट जगह पे, जो कि दिखने में सच में बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है यार भाई। मतलब ये जगह ना मेरे को लग रहा है परफेक्ट है, यहाँ पे पैल डेक तो मुझे लगा देना चाहिए भाई। अगर यहाँ पैल बॉक्स लगाऊंगा ना भाई, उस ईथी डियर ने स्क्रैमिस के मार दिया फालतू में, और अभी इसे लड़ेगा तो मुझे देखना है वो कितना तगड़ा पोकेमोन है। अबे मेरे ना मार दिया भाई तू, क्या ही तगड़ा डैमेज मारा उसने, और शेर की आवाज की भाई। भाई उसने एक ही हिट मारा और सारा क्रैमिस, ये देख रहे हो, ये देखो भाई उसने एक हिट मारा। अबे मेरे क्यों मार रहा है भाई, मेरे ना मार दिया गलती से, देख रहे हो खत्म कर दिया भाई उसने, सीन ही खेल ही खत्म कर दिया। रवि ना भाई मुझे एक पैल डेक बनाना चाहिए, बट बनाऊं किस साइड ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैसे देखो ये वाली जगह ना परफेक्ट है, अगर कल को मुझे अपना घर वगैरह भी बनाना हो तो मैं यहाँ बना सकता हूँ, बट अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ इस साइड को पैल डेक पैल बॉक्स लगाते हैं, पैल डेक नहीं है ये। मेरे को उसके लिए थोड़ी बहुत लकड़ियां वगैरह चाहिए भाई, और लेट्स गो। अभी मैंने
लकड़ियां भी इकट्ठी कर ली, यहीं तो पड़ी हुई थी। बट पैल डेक पैल बुक्स बनाऊं किस साइड यार? देखो ऐसे उबड़ खाबड़ रस्ते में तो बनाऊंगा नहीं मैं, यहाँ कहीं बनाते हैं ऐसे साइड में, कुछ थोड़ा इस टाइप से बना लेते हैं या कुछ थोड़ा इस टाइप से यहाँ बीचों बीच बना दो क्या, यहाँ बना देते हैं। और फिलहाल ना भाई मेरे को कैटिवा को यहाँ बुलाना है, फटाफट से कैटिवा ने मेरे साथ बनवा दिया भाई ये पैल बुक्स, लेट्स गो। अब इसके अंदर में ना मैं पैल रख सकता हूँ अपना जो मरा पड़ा है, जैसे कि ये, और हुक रेट्स भी आ रखा है भाई यहाँ। और ये एक्चुअल में ना अपना बेस बन चुका है, ये देखो यहाँ पे बाउंड्री बन गया ना, जो ये अपना प्रॉपर बेस है, ये प्रॉपर अपना एरिया है, इसके आसपास कोई नहीं आ सकता है यहाँ। मतलब अगर कोई भी बंदा यहाँ पे आएगा ना तो भाई वो पिटेगा, क्योंकि अपना बेस है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ पोकेमोन बॉल, इसको फटाफट से उठा लेते हैं हम लोग। और भाई यहाँ लिख रखा है पैल विदाउट बेड विल गेट स्ट्रेस, बट मेरे को ना एक काम करना चाहिए, यहाँ पे बना देता हूँ एक पैल की प्रॉपर बेड, बट मेरे लिए यार मेरे पास में यार लकड़ियां नहीं है। तो आजा हुक रेट्स, तू मेरे पास में आजा जरा। कैटीवर तू यहाँ पे रह बेस पे, देखते हैं भाई ये बेस पे ना कुछ काम करते रहेंगे। देखो जैसे ये जाएगी भाग के और ये माइनिंग करने लग जाएगी भाई, डायरेक्ट मुक्के मुक्के मार के ना प्रॉपर यहाँ पे स्टोन तोड़ेगी मेरे लिए। ये देखो मेरे पास में एक स्टोन आ गया, बट चल आजा कैटीवा मेरे को भी तेरी जरूरत है। बट अभी ये बन चुका है भाई अपना बेस, ये प्रॉपर अपनी जगह बन चुकी है, मतलब यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं अपना घर, एक काम करते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर वगैरह बना लेते हैं यार। बट मेरे पास में ना सच्ची सच्ची बताऊं तो ज्यादा लकड़ियां नहीं है, तो काम करते हैं एक टेम्परेरी सा घर बना देते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से भाई। और लो लकड़ियां खत्म होगी, थोड़ा सा भाई मुझे कैटीवा को इधर छोड़ना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। जैकेटीवा लकड़ी वकड़ी तोड़, जैकेटीवा फटाफट लकड़ी वकड़ी तोड़, ठीक है पत्थर वत्थर तोड़ेगी मुझे लग रहा है। इधर से लकड़ियां उठा लेता हूं ना जो पड़ी हुई है, कोई नहीं भाई बाकी लकड़ियां मैं मुक्के मार मार के, डंडा भी तो अपने पास में, ये डंडे मार मार के तोड़ता हूं भाई। ऑलराइट गाइस, चलो भाई अभी आ चुकी है अच्छी खासी लकड़ियां वगैरह, और अभी ना मैं बना सकता हूं एक अच्छा खासा फ्लोर यहाँ पे कुछ इस टाइप से, और दीवार वगैरह बना देते हैं, और एक दीवार बना देते हैं यहाँ। देखो अभी छोटा मोटा ही घर बना रहा हूँ मैं, एक टेम्परेरी घर कह सकते हो तुम लोग, और एक छत कुछ इस टाइप से अभी देखो, और एक वुड ब्रेक कुछ इस टाइप से यहाँ बना लेते हैं भाई, और एक और दूसरी बोल यहाँ बनाएंगे। लो भाई इतने में ही सब सामान खत्म, बट ठीक है ये अच्छा लग रहा है यार। यहाँ पे अगर हम इसकी एंट्रेंस बना देंगे और इधर इधर दीवारें कर देंगे या इधर एंट्रेंस बना देंगे तो थोड़ा ठीक लगेगा, तो यार अभी के लिए तो जस्ट ठीक ही है। बट भाई इसको लकड़ियां तोड़ने से फुर्सत मिलेगी, लकड़ियां कह रहे हो पत्थर, भाई इसने क्या ही पत्थर तोड़ दिए कसम से, भाई भर भर के पत्थर तोड़ दिए। चलो अपना काम इजी करा रहा है भाई ये, ठीक है अभी यहाँ पे बनाते हैं एक शोड़ी बेड, ठीक है इसमें छोटी सी झोपड़ी जैसे घर को कंप्लीट करते हैं, और यहाँ पे लगाएंगे एक आध पैल का बेड और खुद का बेड ताकि हम लोग यहाँ सो सके भाई। ऑलराइट गाइस, अभी मैंने ऑलमोस्ट आधा घर कंप्लीट कर दिया, मतलब आधा भी क्या ही, बस तो आधा ही बचा है। और ये लगानी है भाई यहाँ पे एक वुडन डोर, लो अभी हम लोग अंदर आते हैं, और यहाँ पे एक रूफ भी लगानी पड़ेगी यार, लकड़ियां ही नहीं है भाई मेरे पास में, ठीक है शोड़ी बेड बनाने के लिए भी मेरे पास लकड़ियां नहीं, और वूल तो बिल्कुल भी नहीं है भाई अभी ना। और अभी मेरे को बेस अपग्रेड करने के लिए ना एक आध वुडन चेस्ट बनानी पड़ेगी, बट भाई वुड ही नहीं है वुडन चेस्ट बनाने के लिए, मैं वुड इकट्ठी करके लेके आता हूँ भाई काफी सारी, अब मैं इकट्ठी करने वाला हूँ बहुत सारी वुड्स। अभी मैंने कुछ 18 वुड्स इकट्ठी कर ली, और मेरा वेपन डैमेज हो चुका है ये बैट, और इसे रिपेयर करने के लिए ना मुझे यहाँ पे एक रिपेयर किट बनानी होगी। इससे पहले ना भाई मैं यहाँ पे फाउंडेशन में जाके एक वॉल लगा देता हूँ, मतलब एक रूफ लगा देता हूँ। लेट्स गो, अभी बन चुका है यहाँ पे अच्छा खासा बेड, और यहाँ पे बन चुका है अच्छा खासा घर। भाई मेरे को वूल चाहिए और कुछ वुड चाहिए इसको रिपेयर करने के लिए, बट मैं ना यहाँ पे एक वुडन चेस्ट बना देता हूँ। इसके अंदर में क्या होगा ना भाई, यहाँ पे इस वुडन चेस्ट के अंदर में ना हम लोग अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। आजा भाई जरा कैटीवा मेरे साथ। भाई देखो अभी मैं बना रहा था यहाँ पे वुडन चेस्ट, और कैटीवा फटाफट से भाग के आया अपने हेल्प कराने के लिए। देख रहे हो कितना इंटेलिजेंट है अपना पोकेमोन। और यहाँ पे मैं अपना सामान वगैरह रख सकता हूँ जो मेरे को नहीं चाहिए, जैसे कॉइन का कोई यूज नहीं है, इसका नहीं, और इसका कोई यूज नहीं है, कुछ इस टाइप से मैं रख सकता हूँ। बट भाई यहाँ पे लाशें वाशें नहीं चाहिए भाई, निकल इधर से भाई। यहाँ पे एक पोकेमोन मरा पड़ा है, इसका नाम क्रेमिस था मेरे ख्याल से। भाग 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 भाग, चल चल भाग भाग इधर से, भाग भाग हमारे बेस से चल। भाई तुझे पता भी है किसके बेस में खड़ा हुआ है तू, मर के वो भी, ठीक है यहाँ कुछ वुड। हेयर गाइस अच्छी बात पता क्या है, हमारा पैल बॉक्स अब अपग्रेड हो सकता है, लेट्स गो। और अपग्रेड होने के बाद में ना यहाँ पे एक से ज्यादा पोकेमोन को मैं छोड़ सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं पेंगुलेट को छोड़ दूँ तो यहाँ पे पेंगुलेट भी आ जाएगा, और ये भी काम वगैरह कराएगा। खैर इधर कोई बंदा आ रहा है भाई, वो अपने बेस पे बंदे आ रहे हैं, इनको मारो। हाँ भाई कौन है तू? ये तो वॉन्डरिंग मर्चेंट है भाई। भाई ये गेम ना, ये गेम प्रॉपर माइनक्राफ्ट जैसा है, मैं इससे कुछ भी खरीद सकता हूँ मेरे ख्याल से, और इसे बेच भी सकता हूँ कुछ भी। भाई ये मस्त है यार, मेरे को लेदर वेदर अगर एरोस वगैरह कुछ भी बेचना है तो मैं इसे बेच सकता हूँ, फाइबर वगैरह भी बेच सकता हूँ, बट मेरे को कुछ नहीं बेचना है भाई अभी। लेट्स सी ये क्या बेच रहा है भाई, ये तो सारा कुछ अपने औकात से बाहर का बेच रहा है। भैया निकलो इधर से, यहाँ नहीं आना दोबारा। खैर ये देखो भाई, ये लेके आ रहा है बेरीज की सीड्स, ये ला ला के रखेगा इस जगह पे, देख रहे हो इसने बेरीज भी रखी है भाई यहाँ ला ला के। एक काम करता हूँ मैं भी बेरी सीड इसमें रख देता हूँ, इससे क्या होगा ना भाई हम लोग कभी भी खेती बाड़ी करेंगे ना तो इस डायरेक्टली बेरीज बना के हम लोग खा पाएंगे। खैर अभी ठीक है, अभी ना हम लोग चलते हैं फटाफट से फास्ट ट्रैवल करके एक जगह पर, और वहां पे जाके ना थोड़ी बहुत वूल वगैरह इकट्ठे करेंगे। भाई वूल नहीं है अपने पास में, एक लैम्प वूल मैं सोच रहा हूँ ना पकड़ लेते हैं हम लोग। मैंने इसको मार
कूट के पकड़ तो लिया है और अगले वाले को हम लोग आराम से मार देंगे जान से। मार भाई से एक लैम्बोल पकड़ लिया, क्या पता है वूल वगैरह ला के दे अपने को। फुल राइट गाइज, अभी मैंने इकट्ठी कर लिया है पूरी 22 वुड, हालांकि मुझे 20 चाहिए थी, बट अभी मेरे पास में काफी अच्छी खासी वूल्स वगैरह इकट्ठी हो चुकी है और अभी मेरे को जाना चाहिए भाई अपने बेस पर वापस। बट इससे पहले जरा इस वाले पोकेमोन को सामने तुम देखो, ये मुझे सबसे तगड़ा पोकेमोन लगता है भाई, इसे मार वार मत दियो। इसका नाम है डायनोसोम, एक्चुअल में बहुत ही तगड़ा पोकेमोन है। खैर इधर आजा भाई, हमारी से फाइट वाइट होगी ना एक घूसे में निपटा देगा, कसम से बता रहा हूँ। खैर चलो अभी फास्ट ट्रेवल करके हमको जाना पड़ेगा, बट मुझे ना वहाँ कुछ हरा हरा सा दिखाई दे रहा है, मेरे को लग रहा है ना ये वही है लिफ्टमंक कैफे की करके जो भी था वहाँ पर। खैर तू आजा इधर मेरी पैल बॉक्स में भाई, और ये वही है लिफ्टमंक कैफे की, मुझे नहीं पता ये किस काम की है, बट ये कुछ तो एनहांसमेंट वगैरह कर सकती है। भाई यहाँ कोई तो नए पोकेमोन है क्या? डेड ड्रीम भाई, इसे पकड़ लूंगा। टूटे से दांत, ये मस्त लग रहा है भाई, मैं इसे पकड़ लूंगा भाई। बट ये दो दो है, एक को मारूंगा ना दोनों अटैक करने लग जाएंगे, मैं बता रहा हूँ भाई। पकड़ लिया मैं तो कह रहा हूँ भाई से। भाई फॉक्स प्रैक्स अपना कमाल दिखाना शुरू कर दे भाई, क्या ही गंदा अटैक है इनका कसम भाई, क्या ही बकवास सा अटैक है, देखना इतने स्लो है भाई ये, मेरे को तो लग रहा है इनको पकड़ना भी नहीं चाहिए। आजा जैसे ही मेरे पोकेमोन पर अटैक करेंगे मैं अपना पोकेमोन ही छुपा दूंगा। मार 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 इसके, क्या ही बकवास सा अटैक है इनका, मतलब मैं 2 मिनट में डोज मार के इधर उधर हो रहा हूँ यार। बट अपना फॉक्स प्रैक्स ना बहुत ज्यादा बकवास पोकेमोन है, सच्ची सच्ची बता रहा हूँ। हुक्रेट्स जा तू दिखा अपना कमाल, मार हुक्रेट्स इनके भाई, ये उल्लू मारेगा ना तगड़े लेवल का। चीकी क्यों मार रहा है भाई, इधर मार इसके, मार इसके, मार मार इसके। भाई हुक्रेट्स मार तो तकड़ा रहा है यार, कुछ भी कहो। मार 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 इसको, इसको पकड़ लूंगा भाई मैं अभी। भाई इसने मार दिया इसे, बेवकूफ उल्लू के पट्टे भाई, इसने 2 हुक्रेट्स को ऐसे मार दिया फालतू में। ये देखना वो मुझे मारने लग, भाई तू रहने दे, तू किसी काम का नहीं है, उल्लू ही है भाई तू सही में। भाई इतना अच्छा खासा डैमेज पड़ा था उसे, इसने मार दिया और दूसरों को मारे जा रहा है। ये हुक्रेट्स मारता गंदे लेवल का भाई, कुछ भी कहो खत्म कर। अब तेरी भैंस की क्या गंदा मार रहे हैं इनको, मार मार मार। मेरे को लग रहा है हुक्रेट्स आज मरेगा कसम से। फॉक्स प्रैक्स तू ही जा, तुझे ही कमाल दिखाना पड़ेगा अभी कुछ। 3-3 पोकेमोन पीछे लग गए हैं कसम से, ये तो चलो फिर भी बहुत ज्यादा स्लो पोकेमोन है यार। पकड़ ले भाई, तू पागल वागल है क्या यार, उसको डैमेज पड़ा हुआ था मैं उसको पकड़ देता सम से ही भाई मरेगा, ये डेंजर में आ गया, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ भाई, फालतू में पंगे नहीं चाहिए। इतना गंदा डैमेज मार रहे हैं ना कसम से। तो देखो यहाँ पे इस साइड 1-2 ये घूम रहे हैं भाई, यहाँ पे 2 तो ये घूम रहे हैं, अलग डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो अब यार नीचे गिर गया मैं भाई, वो हुक्रेट्स ने मेरे पीछे पड़ गए भाई, ये बेफालतू के फॉक्स पार्क्स ने मरवाया मेरे को, फॉक्स पार्क्स ने नहीं भाई हुक्रेट्स ने मरवा दिया कसम से, फालतू में पीछे लगवा दिए 2 पोकेमोन। अच्छा खासा घूम रहा था इधर उधर भाई। खैर अभी मैं जाने वाला हूँ फास्ट ट्रेवल करके वापस से अपने बेस में, ताकि मैं वहाँ पे बेड बनाऊँ और फिर हम लोग निकलेंगे भाई कुछ एक्सप्लोर वगैरह करने। चलो भाई अभी मैं आ चुका हूँ अपने बेस पे, और यहाँ पे है टाइम एक्चुअल में बनाने का एक प्यारा सा शोड़ी बेड। खैर उल्टा क्यों बन रहा है ऐसे बनना भाई, एक बेड यहाँ लगा देता हूँ, एक इसके बगल में लगा दूंगा। आ जाओ भाई, अभी दोनों के दोनों पोकेमोन ना मेरी हेल्प करने वाले हैं, लेट्स गो। ये बनने वाला भाई अपना बेड, इसके ऊपर मैं सो के जल्दी जल्दी सुबह कर सकता हूँ, बट अभी सो के भी कुछ फायदा नहीं, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा बेफालतू में ऐसे ही सो जाऊंगा और सुबह भी नहीं होगी, सुबह तो ऑलरेडी हो ही रखी है भाई क्योंकि। खैर ठीक है, ये ग्यूमोस जो पोकेमोन है अभी जिंदा हो चुका है, और अभी मेरे को पेंगुलेट अपने साथ में चाहिए, लैम्बोल को मैं इधर ही छोड़ देता हूँ। देखते हैं लैम्बोल वगैरह भी कुछ काम करता है क्या, करता तो है भाई, हार्वेस्टिंग कर रहा है उधर जाके, इन्होंने पत्थर तोड़ दिया भाई। मेरे को ऐसा पोकेमोन चाहिए जो जाके ना मस्त लकड़ी वकड़ी तोड़े भाई मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास में लकड़ी ही वो चीज है जो सबसे ज्यादा कम है भाई। सब कुछ मैंने यहाँ पे बना लिया, बस एक चीज नहीं बनाई है जो कि है वर्क बेंच। अब भाई इस वर्क बेंच के बिना तो कसम से कुछ बन ही नहीं पाएगा। काम करता हूँ इस साइड से बना देता हूँ कुछ इस टाइप से, लेट्स गो भाई। देख रहे हो मेरे पोकेमोन ने 2 सेकंड में बनवा दिया भाई। वही फिलहाल बनाते एक रिपेयर किट, जिससे कि मैं अपने वेपन्स वगैरह अपनी चीजें रिपेयर कर पाऊंगा यार। तो सबसे पहले मेरे को बनाना पड़ेगा एक रिपेयर बेंच, इस साइड बना देता हूँ भाई, इसको भी इसके बगल में। यहाँ पे सामान बनाया, यहाँ पे रिपेयर कर लिया। फिर अभी मेरे को अपने साथ में चाहिए एक पोकेमोन ऐसा जो कि रिपेयर वगैरह कराए। देख रहे हो अपने पोकेमोन है तो काम के, कुछ भी कहो छोड़ दो तो 15 सेकंड लगेंगे, बट जैसे ही मैं आ जाता हूँ ना तो कम टाइम लगेगा। खैर गाइस अभी मैं यहाँ पे ना इस हैंड हेल्ड टॉर्च को रिपेयर करने वाला हूँ, उसके अलावा इस क्लोथ आउटफिट को रिपेयर करने वाला हूँ क्योंकि एक टाइप से अपना आर्मर है, और इस वुडन क्लब को रिपेयर करने वाला हूँ तो टूटा ही पड़ा था भाई। ठीक है अभी मैं हो चुका हूँ एकदम ही रेडी कहीं भी जाने के लिए, थोड़ा बहुत खाना वगैरह इकट्ठा कर लेता हूँ, और अभी ना मेरे को वो पोकेमोन्स यहीं पे छोड़ने हैं जो तगड़े तगड़े नहीं है। देखो इनमें से हुक्रेट्स बढ़िया मार लेता है, फॉक्स पार्क्स भी ठीक ही है, पर मैं सोच रहा हूँ ना इसको यहीं छोड़ दो भाई, बाकी इन पोकेमोन्स को लेके जाऊँ कुछ पोकेमोन्स को पकड़ने के लिए क्योंकि ये काफी तगड़े पोकेमोन है। खैर मैं आगे की साइड गया ही नहीं भाई, मतलब एकदम इतने पास में हूँ, बट भाई अभी आ रखा है मिशन कंप्लीट,
बट भाई अभी आ रखा है पैल बॉक्स का अपग्रेड, फटाफटी अपग्रेड कर लेते हैं, लेट्स गो। अभी मैं छोड़ सकता हूँ 3-3 पोकेमोन सेम टाइम पे, अभी मैं छोड़ने वाला हूँ ग्यूमोस को यहाँ पे। है ठीक है, अभी ना मेरे को सामने कुछ तो अलग पोकेमोन दिखाई दे रहे हैं जिसका नाम है टेंजी। जाओ ही पेंगुलेट, फिर लग जा अपने काम पे, मारना शुरू कर इन्हें। ये वाला पोकेमोन भाई आज सारे पोकेमोन पकड़ना है मेरे को कसम से। भाई ये बंदर पोकेमोन डर के कहाँ भाग रहा है इधर? नहीं भाई डर तो नहीं रहा, इतना भी नहीं डर रहा है भाई। मेरे पास पैल स्पेयर ही नहीं है यार, ये इनको बेफालतू में भाई मार तो तगड़ा रहा है यार। भाई अभी एक काम करता हूँ मैं, फटाफटी जाके एक पैल स्पेयर बना लेता हूँ, बस एक पैल स्पेयर चाहिए भाई मुझे। भाई मेरी सारी पैल स्पेयर ना बेफालतू में वेस्ट हो गई कसम से, और पैल स्पेयर बनाने के लिए मेरे पास लकड़ी ही नहीं है यार कसम से। भाई क्या ही खराब किस्मत है भाई, बट चलो कोई बात नहीं, सामने लकड़ी वकड़ी है इसे तोड़ देता हूँ भाई, लेट्स गो। भाई मैंने एक पैल स्पेयर बना ली और अपने सारे पोकेमोन उस पोकेमोन पे चढ़ गए एक पे। भाई अबे मार दोगे भाई इसे, जान से मार दोगे क्या भाई? कसम से तो इसे खत्म ही कर देंगे मैं बता रहा हूँ। आजा पकड़ में आजा चुपचाप से भाई, एक पैल स्पेयर है, नहीं पकड़ा गया ना तो ये मर जाएगा यार। यार भाई कसम से गलत ही सीन हो गया, तेज भैंस की साले इधर आइयो। अबे भाई मुझे पेल दिया इसने, भाई पैल स्पेयर ही नहीं है भाई। यार भाई ये लकड़ियों का क्या सीन है भाई, बेफालतू में गुस्सा आ रहा है भाई, किस्मत ही खराब है आज अपनी। वो उसे मार देंगे भाई वहाँ पे, और वो मर ही गया है भाई। अभी क्या ही फायदा लकड़ी वकड़ी तोड़ के भी। अभी इन्होंने दोनों के दोनों पोकेमोन्स को मार दिया और अब कुछ फायदा भी नहीं है भाई बोलने का। भाई अभी ना इन्होंने दोनों के दोनों पोकेमोन्स को कुत्ते की मौत मार दिया मेरे पोकेमोन्स ने। भाई अभी ना मेरे को ये पूरा का पूरा एरिया एक्सप्लोर करना है कसम से। ये अपना बेस बनाने के चक्कर में ना मैं रह गया था ऐसे ही एक्सप्लोर करने से, बट अभी मैं करने वाला हूँ ढंग से एक्सप्लोर। यार यहाँ भी चिक्की पी है, देखो जहाँ पे चिक्की पी जैसे छोटे मोटे पोकेमोन है ना वो जगह एकदम ही सेफ है। जरा देखो तो सही कितना ही प्यारा लग रहा है अपना बेस, मतलब छोटा सा बेस है अभी तो। भाई सामने कोई तो तगड़ा पोकेमोन है जिसका नाम है रिलैक्सा यूरस, रिलैक्सा सोरस, रिलैक्सा यूरस। ये काफी तगड़ा सा पोकेमोन मेरे को लग रहा है भाई, और एक्चुअल में ना इसके इसके नाम के साइड में डेविल बना हुआ है, मतलब ये बहुत जोर से मारेगा अगर मारने पे आया तो। भाई मैं किसी भी पोकेमोन से ना फालतू में पंगे ले ही नहीं रहा हूं, इसके पास जाके जरा देखूं क्या वैसे। ओबे ओए क्या हो गया वो भाई, मार रहा है मेरे को वो भाई, क्या गंदे अटैक कर। भाई मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आऊंगा ही नहीं, आने आऊंगा मैं भाई। 20 लेवल का पोकेमोन है बेफालतू में। भाई क्या गंदा मार रहा है इसने कसम से, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, मैं भाग रहा हूँ, मेरे को रुकना ही नहीं भाई इधर। भाई माफ कर दे भाई। ये क्या डायनासोर से घूम रहे, कैपरिटी, और इसको मैं पकड़ सकता हूँ चाहूँ तो, क्योंकि सिर्फ 8 लेवल का है और इनमें से एक 13 लेवल का भी है। भाई रहने नहीं देता हूँ भाई, ट्राई करके देखूंगा वैसे इसको पकड़ने का। देखो मैं पकड़ तो सकता हूँ इस वाले पोकेमोन को, बट ये दो दो है, मेन बात ये है। वैसे एक इधर इधर हो जाए ना, अभी इधर रुक जा तू इधर रुक जा, धक्के मार मार के नीचे गिरा देगा। अच्छा बेटे तेरी ऐसी की तैसी, जा पेंगुलेट मार इसे, पेंगुलेट गेम ही ओवर कर दे इसको। वो तेरी, अबे दोनों पीछे लगे, भागो भागो भाई भागो, मैं मरूंगा कसम से, मैं तो साइड में बैठा हूं। पेंगुलेट मार इन्हें, ये दोनों को मारना थोड़ा सा मुश्किल है। अबे मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? भाई यार ठीक है, एचपी कर दी, भागो भाई भागो भागो भागो, मैं मरूंगा मैं मरूंगा, मैं यहाँ छुपाऊ पेड़ के पीछे, मैं तो हुई नहीं, मेरे पोकेमोन है ही नहीं भाई, मार दो भाई कसम से। यार गंदा डैमेज मार रहे हैं ये, 13 लेवल वाला मेरे पास में क्यों आ रहा है? अबे ओ भाई पेंगुलेट डेंजर में आ गया कसम से। तो क्या भाई कोई गायब भी हो गया भाई, वो पेंगुलेट को ना उन्होंने कुत्ते की मौत मार देना जितना मेरे को लग रहा है भाई। बट पेंगुलेट अच्छा पेल रहा है यार, पेंगुलेट को इस साइड से भेजूंगा, या पेंगुलेट मार इन्हें। वो भाई पेंगुलेट मार दिया, हुक्रेट्स मार इसे भाई, थोड़ी सी ना मुझे भी हेल्प करनी पड़ेगी, मुझे मार दिया भाई। वो यार मेरे को नहीं पता था इतने तगड़े पोकेमोन है भाई, उसने एक फटका मारा और मैं मर गया, बट चलो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है भाई, मैं उस साइड दोबारा चले जाऊंगा। और अभी ना मेरे को अपने साथ में एक आध और पोकेमोन लेके जाना पड़ेगा, ये वाला पेंगुलेट को यहीं छोड़ देता हूं, जिंदा हो जाएगा वैसे भी थोड़ी देर में ही। चलो भाई अभी मैं जाता हूं उस जगह पे, और भाई ये वाला पोकेमोन ना सच्ची में कोई आम पोकेमोन है, क्या नाम था उसका, कैपरिटी। इसे अगर एक बार मैंने पकड़ लिया ना कसम से बता रहा हूं भाई इजी हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि इसने जो मारा ना भाई पेंगुलेट को वो तो भाई एक्सट्रीम ही था। अभी तक का जितना भी तगड़ा पोकेमोन मैंने देखा ना वो पेंगुलेट है भाई, मतलब पेंगुलेट को कोई इतना इजीली मार नहीं पाया, पेंगुलेट ऐसे 2 मिनट में किसी को भी मार देता है। खैर सामने रिलैक्सा यूरस खड़ा हुआ है और ये बहुत ही गंदा मारेगा कसम से अगर इसके आगे से मैं गया। बट ये पास में वो कैपरिटी भाई, ये मेरे पीछे ना पड़ जाए, काश ये मेरे पीछे ना पड़ जाए, इसने मुझे देखा ही ना हो भाई। ये बहुत ही भद्दा पोकेमोन है सच्ची सच्ची बताऊं तो, शक्ल से गंदा सा डायनासोर लग रहा है, बट चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां सामने सुअर भी घूम रहा है रश, और इसे पकड़ सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। ओए पिकाचू, स्पार्की टाइप का नाम, और ये पिकाचू जैसा दिख रहा है भाई हूबहू। मैं तो कह रहा हूं पहले इसे ही पकड़ते हैं, बट मुझे पहले ना एक कैपरिटी चाहिए, वो बहुत ही तगड़ा था बट अभी वो यहां है ही नहीं, वो इधर से चला गया। मेरे को तो लग रहा है ना वो काफी रेयर पोकेमोन सा था यार, क्योंकि वो मार तो बहुत ही तगड़ा रहा था भाई कुछ भी कहो। एक सेकंड, ये क्या एरिया भाई, किसी का तो बेस लग रहा है मेरे को तगड़ा भाई। एक सेकंड, ये मस्त जगह लग रही है, एक मिनट में अपना सामान वामान उठा लूं इधर से। देखो देखने में तो ऐसे लग रहा है किसी का तो मस्त सा बेस है, इधर से कूदूंगा तो ना डायरेक्टली मेरे को लग रहा है मैं मर जाऊंगा। इधर बोट भी है भाई, मैं बोट चला सकता हूँ नीचे जाके, मेरे को लग रहा है नहीं चला सकता, इधर से पार्कोर करके
जाना पड़ेगा थोड़ा बहुत फूड टाप के। भाई मैं पेड़ वेड़ पे चढ़ चुका हूँ, स्मॉल सेटलमेंट, मैं बोट नहीं चला सकता मेरे ख्याल से, बट ये तगड़ी जगह है भाई। मेरे को नहीं पता अंदर कौन है, दुश्मन वुश्मन कुछ भी हो सकता है। ये कौन है? अच्छा भाई गॉसिप विलेजर, एक्सप्लोर एवर एक्सप्लोर द केव। भाई ये गॉसिप करने वाला ना फालतू का विलेजर था, बेफालतू में बात कर जा रहा था। और ये ना एक पता नहीं किसका बेस है, मेरे को तो समझ ही नहीं आया भाई अभी तक, देखते हैं किसका है। वेट, यहाँ पे वॉन्डरिंग मर्चेंट जो कि 30 लेवल का है। मेरे को लग रहा है ना यहाँ पे मैं ट्रेड व्रेड कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ और काफी तगड़ी तगड़ी चीजें बेच रहा है भाई। अभी अपनी बेइज्जती हो गई, अपने पास में कुछ है ही नहीं भाई ट्रेड करने को। ये क्या चीज है भाई? यहाँ पे कोई तो एक और पोकेमॉन सो रहा है जिसका नाम है आई एम कीपर। ठीक है भाई, उस आई एम कीपर ने मुझे बताया ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये प्रॉपर एक ट्रेडिंग करने की जगह है। ऑल राइट गाइस, तो देखो आज हमने बना लिया अपना बेस फाइनली और अब हम लोग पकड़ सकते हैं कोई तगड़ा बोस पोकेमॉन। गाइस आज हमने अच्छा खासा बेस वगैरह बना लिया है और भी दो चार अच्छे खासे पोकेमॉन पकड़ लिया है, अब हम लोग पकड़ सकते हैं कोई तगड़ा बोस पोकेमॉन। वैसे मैं कह तो रहा हूँ बोस पोकेमॉन, बट उसे पकड़ना इजी नहीं है क्योंकि बोस पोकेमॉन को पकड़ने के लिए हमको कोई तगड़ा पोकेमॉन पकड़ना पड़ेगा, जो कि हम लोग पकड़ने वाले हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। आज वाली वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूं आपको आज वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।